अगर इन चारों चुनावों को देखें तो महिला आरक्षण के नाम पर मोदी जी सोच रहे थे कि मैंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। विपक्ष ने अपना दिल बड़ा करके दिखाया कि हम इस मामले पर सर्वसम्मति से साथ हैं, उनको भी वो जो है जलील करने में लगे हुए हैं। अब मोदी जी बता रहे हैं कि इन्होंने जो है अपनी मर्जी से नहीं, मोदी का जो डंडा है, मोदी का जो अत्याचार है, मोदी की जो बातें हैं, उनसे डरकर जो है इन्होंने महिला बिल का समर्थन किया है। नमस्कार, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम और आप हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी परेशानी में है, बौखलाहट नजर आ रही है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ और G20 हुआ उससे पहले, तो बहुत सारे लोग उनके साथ G20 में नहीं दिखाई दिए और बहुत सारे उनके महिला आरक्षण में उन्हीं की पार्टी के दिखाई नहीं दिए, खासकर उसमें जो उनकी महिला नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो चाहे वो राजस्थान से हैं, आप समझ ही गए मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये बौखलाहट है या फिर एक तरह से जिसे कहें कि और कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्या चीज नजर आती है मोदी जी में? ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात जो है वो गलत है। मोदी जी इस समय घबराहट में है और घबराहट इसलिए है कि जैसे 2024 नजदीक आ रहा है तो दिन पर दिन उनका जो आत्मविश्वास है, वो मनोबल था पहले, अब वो किलोबल होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और इसीलिए आप रोज देखेंगे कि वो जो भी भाषा है उनकी, वो रमेश भिदुड़ी से बेहतर नहीं है। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है जंग लगा हुआ लोहा है, यानी जंग लगा लोहा मतलब जिसे लोहा लंगड़ कहते हैं वैसा उन्होंने बताया। और आपको याद होगा कि 2013 तक मोदी जी पूरे देश के लोगों को कह रहे थे, किसानों को कह रहे थे कि आप मुझे अपना जंग लगा लोहा भेजो, क्योंकि तो मैं उस लोहे से देश में सरदार पटेल की एक भव्य मूर्ति बनाऊंगा। हजारों लाखों लोगों ने जो है मोदी जी को दो दो चार चार किलो अपने लोहे को भेजा, उसका खर्च किया और वो सारा का सारा लोहा जो है मोदी जी ने खा लिया, चुरा लिया। और एक तरह से मैं आज कह सकता हूं कि मोदी जी जो जंग लगा हुआ लोहा होता है उसको भी बेचकर खा जाते हैं। और ये बेचकर खाना जो है एक तरह से सरदार पटेल का अपमान भी है और लाखों लोगों की भावनाओं का भी अपमान है, जिन्होंने अपने घर का लोहा, अपनी कुदाल का लोहा, अपने हल का लोहा और दूसरे तरह का लोहा जो है मोदी जी को भेजा था, उसका मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया है। अब आपने कहा कि जो महिला नेत्री हैं, चाहे वो राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया हो या मध्य प्रदेश की उमा भारती हो या और हो, वो मोदी जी से बहुत निराश है। मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने जब उनकी पहले 2014 में से 2019 की सरकार थी, तब उन्होंने एक अरुण जेटली थे और एक सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बना रखा था। और शायद ही कभी आपने देखा हो कि विदेश मंत्री के रूप में जितनी यात्राएं बाद में जो है एस जयशंकर ने की है, उसकी 2% भी सुषमा स्वराज को मोदी जी ने नहीं करनी। सुषमा स्वराज का काम रहता था कि मोदी जी जब विदेश यात्रा पर जाएं तो एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें बुके दे दें, और जब मोदी जी विदेश यात्रा से आए तो एयरपोर्ट पर जाकर बुके देकर फिर उनका सम्मान करें। तो मोदी जी समझिए महिला सम्मान ऐसा ही करते हैं कि औरतों को दिखावटी भूमिका देते हैं, उनको कोई सक्रिय भूमिका नहीं देते और उनका जितना अपमान करते हैं। यानी एक चुटकुला भी है कि उमा भारती ने एक कवि जो है संपत सरल, उनसे कहा कि मैं कैसे बताऊं कि मैं विदेश मंत्री हूं देश की, तो संपत सरल ने अपनी कविता में व्यंग करते हुए कहा कि आप अपने घर के बाहर जो तख्ती है उस पर जहां लिखा हुआ है सुषमा स्वराज, उसके नीचे लिख दो विदेश मंत्री भारत, तब हो जाएगा दुनिया को कि आप भारत की विदेश मंत्री। तो आप समझिए कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का अपमान करते हैं और इज्जत तक करते हैं। कि मुझे एक चुटकुला याद आ रहा था जी, चुटकुला है कि दो औरतें एक सब्जी वाले के कहीं और बोली कि हमें जो है तरबूज दे दो। अच्छा। तो मोदी जी जैसा वो तरबूज वाला था, बोला जी अभी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा एक तरबूज था, तो लाया बाहर और बोला, उसे तोला, बोला ये 1.5 किलो का तरबूज है। तो उस महिला ने कहा नहीं, हमें तो जो है 2 किलो का तरबूज चाहिए। तो वो दुकानदार मोदी जी जैसा जो था वो अंदर गया, उसी तरबूज को दोबारा ले आया और लाकर उसने तराजू पे रखा और हल्का सा उसने डंडी मारी और ये कहा कि ये 2 किलो का तरबूज। अब वो बड़ा खुश था मन में कि मैंने इन महिलाओं को जो है बेवकूफ बना दिया।
अब वो दो महिलाएं थी, दोनों ने कहा ऐसा करते हैं हम दोनों तरबूज खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि भैया मोदी जी हमें जो है तुम दोनों तरबूज दे दो। तो तरबूज तो एक ही था तो उनकी पोल खुल गई। तो आप देखिए जो महिला आरक्षण मोदी जी ने दिया है वो भी ऐसा पोल खोलू मामला है जिसमें समझ आता है कि पहले तो बड़े खुश हुए कि हाँ जी तरबूज मिलेगा, तरबूज मिलेगा, मीठा तरबूज मिलेगा, काट के खाएंगे, इसका जूस बनाएंगे। बाद में पता चला ये तरबूज तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, ये 2029 में मिलेगा, हो सकता है 2034 में मिले, हो सकता है कि 2040 में मिले, हो सकता है ना ही मिले। तो हमारी अदालत में एक वाक्य है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय जो है तुरंत उसका जो नतीजा है वो मिलना भी चाहिए। अब कोई जज कह दे कि भाई तुम्हें शादी करने की हम परमिशन देते हैं, लड़का लड़की गए कि जज साहब हम शादी करना चाहते हैं, जज साहब कहे अच्छा शादी करने की तो तुम्हें इजाजत है लेकिन आज से 25 साल बाद तुम्हारी शादी होगी, तो आप बताइए पूरी जवानी में वो क्या करेंगे? वो लड़का और लड़की मोदी जैसे जज को रोज गाली देंगे कि इसका बुरा हो, इसने हमें ऐसी जगह लटका दिया जहां हम न जी सकते हैं न मर सकते हैं। तो मोदी जी समझते हैं कि मुझसे ज्यादा चतुर आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं, और चतुर हमारे यहाँ जो हिंदू शास्त्र हैं अब जो वो आएंगे हमारे श्राद्ध, तो उसमें सबसे चतुर किसको मानते हैं हम लोग? कौए को मानते हैं। और एक कहावत है, बड़ी गंदी कहावत है, बाकी सब लोगों को पता है कि सयाना कौआ जो है कहाँ मुंह मारता है। तो वो मैं कहना चाहता क्योंकि ये एक अच्छी बात है। लेकिन दर्शक सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब मोदी जी को चिंता है छत्तीसगढ़ के चुनाव की, मोदी जी को चिंता है मध्य प्रदेश के चुनाव की, मोदी जी को जो चिंता है वो है राजस्थान की, मोदी जी को चिंता है तेलंगाना की। इसलिए वो मारे मारे घूम रहे हैं, वहां रोज पहुंच जाते हैं। जैसे आशिक होता है ना, अपना गुलाब का फूल लिया और जहां उसकी प्रेमिका रहती है उसकी गलियों के बाहर चक्कर काटता रहता है कि कभी तो दिल आ जाएगा, कभी तो मामला हो जाएगा, कभी तो लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला पटाओ वाला काम हो जाएगा तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। अब जो मोदी जी कल जो मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, और 44 बार कांग्रेस को वो जो है पानी पी पी कर कोसते हैं लोग, मोदी जी बिना पानी पिए कोसते हैं। और उन्होंने कांग्रेस को वही सारे आरोप जो है उनके कि ये जो है इंडिया नहीं है कमंडिया है, ये जो है देश को बेच रहे हैं, ये लोगों को जो है लूट रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यानी मोदी जी के पास जो है जुमलों की भी कमी हो गई है, और तभी उन्होंने वो जुमला ढूंढा कि जंग लगा हुआ लोहा है। इसी तरह उनके एक संबित पात्र हैं, वो कह रहे हैं कि जो नक्सलवादी इलाका है छत्तीसगढ़ में वहां पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इन नक्सलियों से मिली हुई है। सबको याद है कि जो वीसी शुक्ला थे और दूसरे नेता थे कांग्रेस के वो जगदलपुर में मारे गए, 71 कांग्रेसियों की हत्या नक्सलियों ने की थी, और तब जो है पूरे एक तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा जो है सफाया हो गया। तो आप समझिए जिस पार्टी को नक्सलों ने सफाया कर दिया उनको संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि ये नक्सलियों से अंदर से मिले हुए हैं, और मोदी जी कह रहे हैं ये अर्बन नक्सल है। अब अर्बन नक्सल की जो नई परिभाषा है ये कहाँ से आई? ये मोदी जी ने बताया नहीं लोगों को। मोदी जी का वो काम है कि किसी को कह दे तू कीचड़ है, तू फलाना है, तू ढिमका है, लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं करते तू घमंडिया है। अब घमंडिया का मतलब मुझे अभी तक नहीं समझ आया, घमंडिया इसलिए का इंडिया है। तो अब एनडीए का जैसे मैं सोच रहा था तो एनडीए का हो गया नो वोट, अब तुम्हें हम वोट नहीं देंगे। तो इस तरह की अगर तुकबंदी प्रधानमंत्री करे तो ये अच्छी बात नहीं। तुकबंदी करने का काम जो होता है वो राजू श्रीवास्तव का होता है या जो और दूसरे लोग हैं उनका होता है, प्रधानमंत्री को बड़ी सभ्य भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी जो है उसको भूल जाते। अब मोदी जी ने क्या किया कि एक नई नीति बनाई है और ये कहा है कि वोट तो मोदी के नाम पर पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ना राजस्थान में बताएंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ना छत्तीसगढ़ में बताएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब मध्य प्रदेश में भी जहां पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मामा जी को बिठा रखा है उनके बारे में भी कह दिया कि इनको भी नहीं बनाएंगे, इनका ही नाम पे नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, और तेलंगाना में भी नहीं लड़ेंगे। तो सबसे बुरी हालत जो है मोदी जी ने जिसकी की है वो शिवराज सिंह चौहान है, वो तोमर जी हैं जो कि कृषि मंत्री थे, वो और दूसरे मंत्री हैं, और वो जो उज्जैन के इन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी बना रखे हैं जो बड़े अपने घमंड से जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में अनशन बयान देते थे, जिनका बेटा जो है क्रिकेट के बैट से लोगों को पीटता है, उन सब की बुरी गति ये कर दी है कि अब ये विधानसभा चुनाव लड़े। और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि 10 लोग
यानी 9 वो लोग जिनको सांसदों को जिन्होंने टिकट जिनको टिकट दिया है विधानसभा का चुनाव लड़ने का, और शिवराज सिंह चौहान, ये 10 के 10 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार देंगे, ये अपना चुनाव हार जाएंगे। तो 10 सीटें बीजेपी माइनस से शुरू कर रही है चुनाव, और एक तरह से समझिए कांग्रेस को 10 सीट इन्होंने जो है झोली में रखकर दे दिया है, और जिससे जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका हौसला बिल्कुल पस्त है। इधर हम देखते हैं कि उमा भारती इनसे नाराज है, उसने महिला आरक्षण पर मोदी जी की पूरी पोल खोली है कि मोदी जी ने जो है अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को किसी तरह से जो है सम्मान नहीं दिया है, और वो सारी महिलाएं जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की नहीं बल्कि जो पिछड़ी और अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनको भी पता है कि मोदी जी मुझे जो है अगली बार जो है अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मैं शब्द कह रहा हूँ राजस्थान में जीत जाती है तो उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो वो भी जो है उनकी रैली में नहीं गई कल परसों। तो लगातार जो है मोदी जी एक तरह से अपनी महिलाओं की नेत्रियों को ही अपने साथ नहीं रख पा रहे। तो जो आदमी अपनी पत्नी को साथ नहीं रख पाया, जो आदमी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ नहीं रख पाता, वो समझिए महिलाएं उससे कितनी घृणा करती हैं, और वो अगर ये सोचे कि महिलाएं उसे जो है समर्थन देंगी तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब बड़ा संकट है, उसके पास उम्मीदवार भी नहीं है, इसीलिए वो मध्य प्रदेश में कहते हैं जी हमने अपनी लिस्ट अनाउंस कर दी है। तो लिस्ट अनाउंस करने से जो सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है कि जो नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो भागकर जो है कांग्रेस के खेमे में शामिल हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो सिंधिया खेमे के जो लोग हैं वो सारे के सारे जो भागकर जो है दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और इसीलिए ज्योतिरादित्य की हालत जो है इतनी खराब हो गई है कि वो जो है घर से बाहर निकलकर जो है वहां बड़े अनमने से रहते हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं। तो अगर इन चारों चुनावों को देखें तो महिला आरक्षण के नाम पर मोदी जी सोच रहे थे कि मैंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है, और इसीलिए वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने विपक्ष को मजबूर किया कि वो महिला आरक्षण का समर्थन करे। वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष ने अपना दिल बड़ा करके दिखाया कि हम इस मामले पर सर्वसम्मति से साथ हैं, उनको भी वो जो है जलील करने में लगे हुए हैं। अब मोदी जी बता रहे हैं कि इन्होंने जो है अपनी मर्जी से नहीं, मोदी का जो डंडा है, मोदी का जो अत्याचार है, मोदी की जो बातें हैं उनसे डरकर जो है इन्होंने महिला बिल का समर्थन किया है। लेकिन महिला बिल अपने आप में इस शताब्दी का यानी 21वीं शताब्दी का भारतीय संसद का सबसे बड़ा पाखंड सिद्ध होगा, और जब इसका बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग मोदी से वैसी घृणा करेंगे जैसी वो अडानी अम्बानी या विजय माल्या या जो दूसरे मोदी जो भागे हुए हैं नीरव मोदी फलाना मोदी उन सब से करते हैं, इतनी ही घृणा जो है वो इस वाले मोदी से करेंगे। मुझे बार बार याद आता है कि मोदी जी पहले कहते थे कि हमने टैक्स टेररिज्म कांग्रेस ने फैला रखा है और हमने उसे खत्म करना है। तो टैक्स टेररिज्म के नाम पर मोदी जी के जितने भाषण देखेंगे 2013 के 12 के वो ये बार बार कहते थे। तो मोदी जी का जो सरकार है वो अभी टैक्स टेररिज्म पे जिंदा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि अभी जो जितने भी उम्मीदवारों के नाम विपक्ष अपने घोषित करेगा इन चारों स्टेटों में और दूसरे उत्तर पूर्व के राज्यों में, वहां सब पर के घर जो है ईडी पहुंच जाएगी। अब सीबीआई ने तो हाथ अपने जला लिए दो बार, अब सीबीआई कहीं नहीं जाती। सीबीआई का जो निदेशक है वो मोदी जी की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की वजह से हुई है, और इसलिए वो जो है मोदी जी के बहकावे में नहीं आता। ले देकर उनके पास जो है राहुल नवीन नाम का व्यक्ति पड़ता है जो कि इस समय ईडी का कार्यवाहक निदेशक है, और मोदी जी को भरोसा है कि ईडी जो है अभी भी वफादार की तरह जो है हमारी सरकार का काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे आप एक बात समझ लीजिए कि सारे सरकारी कर्मचारियों को भी पता चल गया है कि मोदी जी की सरकार 2024 में नहीं आने वाली, और नहीं आने की वजह से ही हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे मोदी जी की पोल जो है उन अधिकारियों तक पहुंच गई है जिनके भरोसे मोदी जी जो है लोगों के सर पर डंडा लेकर चलते थे। तो कुल लुब्बो लुभाव ये है कि जो चुनाव अब सामने आ गए हैं बिल्कुल करीब खड़े हैं उसमें मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर जमानत जब्त होगी। आप लिख लो इस बात को, जमानत जब्त होगी, और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि वो जो सर, पिछली बार भी 2000 बीच में एक सवाल करता हूं आपसे,
2019 में भी लोगों का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर कर देती है, चाहे उसमें वो हिंदू मुसलमान का तड़का हो या फिर कोई अटैक वाला मामला आ जाता है, कहीं ना कहीं खुलेआम लोग बोले हैं, तो क्या कहीं कुछ ऐसा कुछ काम आएगा इस बार? इस बार अभी 2024 के चुनाव में करेंगे। ब्रह्मास्त्र जो होता है ना बड़ी लड़ाई के लिए होता है, ये छोटे युद्ध है, इनमें मोदी जी बड़ा ब्लंडर नहीं करेंगे ना बड़ा चालबाजी करेंगे। अब ब्लंडर शब्द नहीं है, ये चालबाजी है। सतपाल मलिक ने तो मोदी जी की पूरी पोली खोल दी है कि इन्होंने जानबूझकर जैसे पुलवामा कराया, अपने लोगों को मरवाया, उसकी जांच नहीं करवाई, आज तक उसकी जांच नहीं हो रही। आप देखिए कि कनाडा में एक व्यक्ति हरदीप जो निजर की मौत हुई, उसकी जांच चल रही है, 3 महीने में जांच रिपोर्ट आ जाती है, 3 महीने में सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। अभी जो है हमारे यहाँ जो जांच होती है वो सालों तक चलती है, और हमारी पुलिस का तो यह हाल है कि उन्होंने सबने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में कि पहले तो कोर्ट में कह दिया जी हम इसकी बेल का अपोज नहीं कर रहे, फिर कह दिया जी हम इसकी बेल के खिलाफ जो है अपील भी नहीं करेंगे, और अब कह रहे हैं जी ये लड़कियों को छेड़ने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। अरे भाई ये शब्द जब उसकी जमानत मिलनी थी तब कहना चाहिए था, यानी पहले उसको जमानत दिला दी, फिर कह दिया जी हम इसकी अपील का कोई इंतजाम नहीं करेंगे अपने इस फैसले के खिलाफ, और फिर कहें जी ये बड़ा दुष्ट आदमी है। तो आप समझिए दुष्ट कौन है, दुष्ट कौन है, दुष्ट पुलिस है। पुलिस किसकी है? मोदी जी की पुलिस है। तो मोदी जी की पुलिस हो या हिंदुस्तान की सारी पुलिस हो, आपने जो एक अपना एक एपिसोड किया था जिसमें एक मुस्लिम छात्र को पीटा गया उत्तर प्रदेश में, चांटे लगवाए गए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां की राज्य सरकार की अंतरात्मा को हिल जाना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि वहां की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। और वहां की सरकार कौन चला रहा है? योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मेरा कोई परिवार ही नहीं है, मैं बड़ा भला आदमी हूं। उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम लड़के के थप्पड़ पड़वाए और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उस बच्चे के पिता ने जो कंप्लेंट दी उसको पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर जो है सारी जो आरोप थे वो गायब कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आरोपों पर FIR होनी चाहिए, 15 दिन के भीतर IPS ऑफिसर जो सीनियर IPS ऑफिसर है उसकी जांच कराओ। और अब सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि उत्तर प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन जिसके तहत बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए उसका भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आप समझिए रोज जो है उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ही बात पर जिंदा है कि हिंदू मुस्लिम करना है, राम मंदिर बन रहा है उसके नाम पर वोट मांगना है। और मेरे को कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं जी राम मंदिर क्यों नहीं गए आप? तो मैंने कहा भाई राम मंदिर अभी बना ही गए जो जाना चाहिए। तो एक तरह से वो ये मानते हैं कि जो राम मंदिर जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर देगा। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि जिस तरह राम मंदिर की वास्तु है वो गलत है, खराब है, ऐसी ही वास्तु जो संसद की है वो खराब है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसकी डेट इन्होंने तय कर दी है कि 5 फरवरी को 6 फरवरी को वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो वहां उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में राम मंदिर की वास्तु की वजह से दोबारा नहीं जीतेगी, संसद की वास्तु की वजह से मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप लिख लीजिए और इस बात पे हम बात जो है चुनाव के बाद ही कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिलहाल आपने भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री उनकी बौखलाहट के बारे में सब कुछ बताया कि उनसे कितने लोग नाराज हैं और क्यों उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपना परचम दोबारा से इन चुनाव में भी लहरा दें। खैर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कल फिर किसी और मुद्दे के साथ रणजीत से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।